हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 छोटूज हाउस। सो लेट अस स्टार्ट इट। बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई है और हमें उनको देख के स्टोरी समझनी है। छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे एक लड़का है छोटू, जो कि मुंबई में पहली बार आया है। बच्चों, हमारे देश में न जाने ऐसे कितने ही लोग होते हैं जो काम की तलाश में अपने घरों से बहुत दूर जाते हैं। ऐसे ही छोटू भी काम की तलाश में अपने घर से बहुत दूर आया है और ये सब छोटू के लिए एकदम नया है। बारिश आती है, छोटू बारिश में भीग भी जाता है। ये देखो पिक्चर में कैसे छोटू ने अपने आप को चादर से कवर किया हुआ है। अगर उसके पास घर होता तो वह घर चला जाता, बट ही हैज़ नो होम। फिर छोटू को एक पाइप दिखाई दिया और ये सीवर वाला पाइप था। फिर छोटू ने सोचा कि मैं यहीं पे रह लेता हूँ, इसे ही अपना घर बना लेता हूँ। फिर धीरे धीरे छोटू ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, पीने का पानी रख लिया और कपड़े सुखाने के लिए एक तार भी बांध लिया। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि एक लड़का और आता है जिसका नाम था मोनू। अब छोटू ने देखा कि वह भी उसी की तरह काम की तलाश में आया है और उसके पास भी अपना कोई घर नहीं है। तब छोटू ने मोनू को अपने पास बुला लिया और दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों साथ साथ रहने लगे। नाउ स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। जब छोटू ने पाइप की ओर देखा तो उसके माइंड में क्या आया। When छोटू looked at the pipe, he thought that pipe would be the safest place to live. जब छोटू ने पाइप को देखा तो उसने सोचा कि पाइप रहने के लिए सबसे सेफ प्लेस होगा। How did छोटू use the pipe? छोटू ने पाइप का क्या यूज किया। छोटू used the pipe as his home. छोटू ने पाइप से अपना घर बना लिया। Into which parts did छोटू divide the pipe and its surrounding area? छोटू का जो पाइप था उसने उसको किस किस पार्ट में बांटा। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू स्लीपिंग एरिया, पाइप के बीच में जहाँ वह सोता था, कुकिंग एरिया और पाइप के आगे जहाँ उसने स्टोव रखा हुआ है, ए पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स और पाइप के ऊपर जहाँ उसने तार बांधा है वहाँ वह अपने कपड़े सुखाता है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर ऐसी जगह जहाँ पे छोटू ने पीने का पानी रखा था, एंड अ पार्ट वेयर गेस्ट कैन सिट और जहाँ पे छोटू और मोनू आपस में बैठ के बातें करते थे, एज ए लिविंग रूम। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। कौन सी जगह पे छोटू को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द लिविंग रूम, जहाँ पे वह मोनू से बैठ के बातें करता था। Why do you think छोटू invited मोनू to live with him in the pipe? आपको क्यों लगता है कि छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए बुलाया होगा। छोटू invited मोनू to live with him because मोनू had no house to live. मोनू के पास कोई रहने को घर नहीं था and छोटू was also alone. और छोटू भी अकेला था। इस तरह से दोनों को कंपनी मिल गई। Draw a picture of your house in your notebook. एंड कलर इट। आपको अपनी नोटबुक में आपके हाउस की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसमें कलर करना है। ऐसे आपको हाउस की पिक्चर ड्रॉ करनी है। ये यहाँ पे आपको एक घर की तस्वीर दिखाई गई है और यहाँ पे आपको दूसरे घर की तस्वीर दिखाई गई है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यस, दिस इज फर्स्ट इज हाउस एंड सेकेंड इज होम। बच्चों, हाउस क्या होता है। जब एक खाली ईंटों से बना हुआ मकान हो, सिर्फ चार दीवारी हो, उसे हम हाउस कहेंगे, जहाँ पे कोई फैमिली नहीं रहती। बच्चों, जब उसी हाउस में एक फैमिली रहने लग जाती है, सभी मेंबर्स एक दूसरे की केयर करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वह होम बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, Who all live with you in your house?
आपके घर में आपके साथ और कौन रहता है? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। नेक्स्ट, छोटू डिवाइडेड द पाइप इंटू डिफरेंट पार्ट्स। राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। आपको यहाँ पे आपके घर के डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखने हैं, जैसे बेडरूम जहाँ पे हम सोते हैं, लिविंग रूम जहाँ पे हम अपने फ्रेंड के साथ, गेस्ट के साथ बतियाते हैं, बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, वो लिविंग रूम। किचन जहाँ पे मम्मा खाना बनाती है। बाथरूम जहाँ पे हम नहाते हैं। स्टडी रूम जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं। गेस्ट रूम, जब हमारे कोई गेस्ट आ जाता है तो हम उनको गेस्ट रूम में ठहराते हैं। पूजा रूम जहाँ पे हम भगवान जी की पूजा करते हैं। हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। आप कितना टाइम घर के कौन से हिस्से में स्पेंड करते हो, ये आपको लिखना है। जैसे लिविंग रूम में ऑलमोस्ट 8 to 9 hours हम ज़्यादातर दिन का समय लिविंग रूम में ही स्पेंड करते हैं, जहाँ पे हम सभी बैठ के आपस में बातें करते हैं, टीवी देखते हैं। बेडरूम जहाँ पे हम रात को सोते हैं, वहाँ पे हम 7 to 8 hours हम स्पेंड करते हैं। किचन, किचन में हम हाफ एन आवर, हम केवल थोड़ी ही देर के लिए जाते हैं, लेकिन हमारी मम्मी बहुत टाइम स्पेंड करती है किचन में। बाथरूम, बाथरूम में जितनी देर हम नहाने के लिए जाते हैं, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पार्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम। क्या आपके घर का ऐसा कोई पार्ट है जहाँ पे आपका फैमिली मेंबर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हो? यस, माई मदर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन किचन टू कुक फूड। हमारी मम्मा किचन में कितना सारा दिन लगी रहती है, कितना टाइम स्पेंड करती है ना किचन में, हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पार्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्या ऐसा कोई पार्ट है घर का जहाँ पे अपना कोई फैमिली मेम्बर कभी कभी जाता हो या फिर थोड़े टाइम के लिए जाता हो? यस, माई फादर गोज़ टू किचन फॉर अ शॉर्ट टाइम। अपने पापा किचन में बहुत ही थोड़े समय के लिए जाते हैं ना। यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विद अस इन आवर हाउस। आपने देखा हो कि हमारे घर में हमारे साथ बहुत सारे एनिमल्स। सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विद अस बिकॉज वी वॉन्ट देम टू। कुछ एनिमल्स तो हमारे साथ रहते हैं क्योंकि हम उन्हें रखते हैं। वाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम बुलाते नहीं, वो अपने आप ही आ जाते हैं अपने घर में। जैसे अनइनवाइटेड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं अपने घर? एंट्स, हाउस फ्लाई, रैट्स एंड लिजर्ड, दीज आर अनइनवाइटेड एनिमल्स। एंड पेट एनिमल्स जिन्हें हम पालते हैं, जैसे कैट एंड डॉग। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स। अब हमें यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जो कि अनइनवाइटेड एनिमल्स हो हमारे घर में, जैसे लिजर्ड एंड रैट। यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। डू यू कीप योर हाउस क्लीन एंड हाउ। क्या आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हो, कैसे रखते हो? यस, बाय स्वीपिंग द फ्लोर, मोपिंग द फ्लोर एंड कीपिंग थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। आपको घर को साफ सुथरा रखने में कौन कौन आपकी हेल्प करता है? माई ओल फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर टू कीप आवर हाउस क्लीन। हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं घर को साफ सुथरा रखने में। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। वी थ्रो द गार्बेज इन अ गार्बेज बिन एंड पीपल फ्रॉम म्यूनिसिपलिटी कम टू टेक द गार्बेज। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? यस, द एरिया अराउंड माई हाउस इज क्लीन। या ऑलमोस्ट हम अपने घर के आसपास साफ सफाई ही रखते हैं। लुक हाउ ब्यूटिफुली लताज हाउस इज डेकोरेटेड। देखिए लता ने अपने घर को कितने अच्छे से सजाया है। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, वैन एंड हाउ। क्या आप ही अपने घर को सजाते हो और कब कब सजाते हो बताइए। वी डेकोरेट आवर होम इन स्पेशल वे ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, जब फेस्टिवल्स होते हैं,
जैसे दिवाली, होली, हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं ना, बर्थडे पार्टीज, बर्थडे पार्टी हो और एनी स्पेशल ओकेज़न, और कोई स्पेशल ओकेज़न हो तब हम अपने घर को सजाते हैं. आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस. अपने फ्रेंड से पूछे कि वो कैसे और कब कब अपने घर को सजाते हैं. नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस. आप किन किन चीज़ों से अपने घर को सजाते हो. वी डेकोरेट आवर होम विद रंगोली, फ्लावर्स, बैलून्स, लाइट्स एट्सेट्रा. हम रंगोली से, फ्लावर से, बैलून से, लाइट से, इन सब चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट करते हैं. ओके, यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आपका कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.